शिवाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी कुछ ऐसे आसन के बारे में जो आसन बहुत ही आसान है और वो आपको हेल्प करेगा कि आप वैसे गुस्सा कम हो रहा है, आपका स्ट्रेस कम हो रहा है, साथ ही साथ ही आपकी मेमोरी को इम्प्रूव कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा कर रहा है और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। इस आसन को एक काउंटर पोज की तरह भी यूज किया जाता है जब हम कोई बैकवर्ड बेंडिंग आसन करते हैं, जैसे कि धनुरासन। ये आसन एक रिलैक्सेशन पोज की तरह भी यूज किया जाता है। ध्यान रहे, ये आसन को उस टाइम पे नहीं करना है अगर आपको कोई स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, सीवियर नी पेन है, हल्की फुल्की नी पेन है, तो आप इस आसन को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डॉक्टर ने मना किया है कि आपको नी को अपने पैरों को नहीं मोड़ना है, तो आप इस आसन का अभ्यास ना करें। साथ ही साथ अगर किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो वो इस आसन को ना करें और हाई बीपी के पेशेंट्स इस आसन को ना करें। चलिए देखते हैं कैसे करना है इस अभ्यास को। वज्रासन में बैठना है, जैसे कि मैं अभी बैठी हुई हूँ। हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से आगे की तरफ झुकेंगे, सर को जमीन पे टच करेंगे, हमारी एल्बो जमीन पे है, हमारे बटन हमारी हील्स को टच करते रहेंगे, रिलैक्स, यहाँ पे डीप ब्रीदिंग, श्वास को श्वास क्रिया करेंगे मध्यम गति से, एक मिनट तक रुक सकते हैं, श्वास करते हुए रिलैक्स। जिन लोगों को चक्कर आने की प्रॉब्लम है, वर्टिगो है, वो भी इस आसन का प्रयास ना करें। I'm sure you are going to practice this asana, which is very easy and going to benefit you a lot. Om Namah Shivaya. Thank you. Karo Yoga, Raho Niyoga.